तो अब यहाँ से बंगला साहिब जाने का प्रोग्राम है, देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं, अगर मेरे मूड के ऊपर है, बीच में भी मेरा मूड चेंज हो सकता है। तो पहुँच गए बंगला साहिब गुरुद्वारा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, आपको दिखाएंगे ये भी। चलते हैं अभी, काफ़ी अच्छा क्राउड हो रहा है, अच्छा खासा क्राउड हो रहा है, यहाँ पे हमेशा ही रहता है। कैसा लग रहा है मेरा पीछे? सो प्रसाद ले लिया है, ऊपर जाके दर्शन करेंगे और फिर चलते हैं, अभी देखते हैं कैसा है अंदर से। वैसे मैंने देखा हुआ है पहले, 2-3 बार आ चुका हूँ मैं, और ये भी एक बार आ चुकी है, लेकिन फिर मन करा आने का तो आ गए यहाँ पे बंगला साहिब देखने के लिए। सो चलते हैं अंदर। सो दर्शन कर लिए और अभी बस जा रहे हैं लंगर चखने के लिए। कर्तव्य पथ कहा जाता है, और एक्चुअली बंगला साहिब आए थे तो वहाँ से नियर बाय इंडिया गेट पड़ता है, और सुना था कि यहाँ पे पूरा रेनोवेट किया गया है नया, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए देखने के लिए। पहले हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया उस पर। अभी टाइम हो रहा है 2:00 PM, और धूप थोड़ी हल्की है यहाँ पे, क्योंकि वाइड एरिया है तो धूप आपको लगेगी नहीं यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्राउड आया हुआ है। आज संडे है तो संडे को क्राउड आना बनता है। अभी जा रहे हैं नीचे अंडरपास में, देखते हैं क्या है वहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा अंडरपास बना रखा है, लेट्स सी, जाके देखते हैं कैसा है। ये कुछ म्यूजियम टाइप बना रखा है, मतलब यहाँ पे आपको सारी फोटोज़ वगैरह प्रदर्शनी के लिए लगा रखी है, देखने से काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अभी चल रहे हैं बाहर की तरफ, देख गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, धूप हो रही है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि जैसे 4 बजे का टाइम है, लेकिन 4 नहीं बजे, अभी 2:30 बजा हुआ है। तो ये है वॉर मेमोरियल, आजा, और काफ़ी खूबसूरत बना रखा है, और साफ़ सफाई काफ़ी बढ़िया, और ग्रीनरी चारों तरफ आप देख सकते हैं, और मेरे पीछे इस साइड अशोक स्तंभ है। तो चलते हैं अभी आगे देखेंगे। वाओ, मम्मी जी, ये अशोक स्तंभ नहीं है।
हालत हो चुकी है, खस्ता थके हुए हैं हम लोग। और अभी हमने सब घूम लिया है, जल्दी जल्दी घूम के और फिर हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। यहाँ पे देखे हैं क्या, दिन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग निकला। शुरू में हम गए हुमायूं का मकबरा, उसके बाद हमने गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे में काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और वहाँ का एनवायरनमेंट पीस काफ़ी अच्छा फील कराती है आपको। और वहाँ का हमने लंगर भी चखा, और लंगर से सबसे अच्छी बात है कि वहाँ का लंगर तो स्वादिष्ट होता ही है, साथ में वहाँ जिस प्यार से आपको लंगर खिलाया जाता है उसकी बात अलग है। सो लोग उस प्यार के लिए वहाँ जाते हैं जो आपको इतनी अच्छी तरीके से सर्व किया जाता है वहाँ पे, और वो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ, इसलिए वो लोग बार बार वहाँ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का व्यवहार, लोग काफ़ी पोलाइट है वहाँ पे। सो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है जाने में, इसलिए हम लोग वहाँ गए थे। और दोपहर का लंगर भी हमने वहीं चखा, और उसके बाद फिर अब शाम को हम लोग इंडिया गेट, अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे का टाइम है, शाम को अभी इंडिया गेट आ गए हैं। मेरे पीछे हमने देखी है वॉर मेमोरियल पूरा देखा हम लोगों ने, और उसके बाद अभी जस्ट थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग निकलेंगे घर की तरफ, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सब। सो यहाँ से ले रहे हैं एग्ज़िट। इंडिया गेट है, किधर गया? आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कोनी तो हटा ले।